नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सहायक आचार्य हबीब खान। आज हम विचार करेंगे जायसी के काव्य में प्रेम तत्व की। प्रेम के स्वरूप का जायसी ने पद्मावत में स्थान स्थान पर जिक्र किया है। कहीं तो यह स्वरूप लौकिक ही दिखाई देता है और कहीं पर लोकबंधन से परे भी। पिछले रूप में प्रेम इस लोक के भीतर अपने पूर्ण लक्ष्य पर पहुंचता हुआ नहीं जान पड़ता, उसका उपयुक्त आलंबन नहीं दिखाई देता जो अपने प्रेम के संपूर्ण जगत की रक्षा करता है। प्रिय से संबंध रखने वाली समस्त वस्तुएं कितनी प्रिय होती है और प्रिय की ओर से ले जाने वाला मार्ग नागमती को कितना प्रिय है, उन्हीं के मुख से आप सुनिए। वह पथ पलकर नहीं जाय मुहारो, शीश चरण के चलो सिधारो। पथ पर पलक बिछाने और उसे पलकों से बुहारने की बात उस अवसर पर कही जाती है जब प्रिय उस मार्ग से आने वाला होता है। पर जहाँ उस मार्ग पर चलने के लिए नागमती ही तैयार है, जैसा कि प्रसंग के पढ़ने पर विदित होगा, नागमती व्यूह खंड में ऐसा वर्णन किया गया है, तो क्या वह अपने चलने के आराम के लिए सफाई करने की बात करेगी? नहीं, उस मार्ग के प्रति जो सने उमड़ रहा है उसकी झोंक में वो कह रही है, जो मार्ग प्रिय की ओर ले जाएगा उस पर भला वो पैर के कैसे रख सकती, यानी उस पर वह सिर को पैर बना के चलेगी। तो जायसी की मौलिक उद्भावना कहाँ ले जा सकती है? अपने प्रिय से मिलने के लिए जब मूसा ने कोतूर पर अपनी नालेर उतार दी थी, अपनी जूतियां उतार दी थी, इतनी पवित्रता का भाव जायसी ने नागमती के प्रेम में भर दिया कि वह उस मार्ग पर अपनी जूतियां लेकर के कैसे चल सकती है, वह अपने सिर को पैर बना करके चलेगी। जो मार्ग प्रिय की ओर ले जाएगा उस पर भला वह पैर कैसे रख सकती है, वह उस पर सिर को पैर बनाकर चलेगी। प्रिय के संबंध में कितनी वस्तुओं से सुहृदय भाव से स्थापित हो जाता है। सच्चे प्रेमी का प्यार प्यार नहीं, जो कुछ उस प्रिय को प्रिय होता है सब प्रिय होता है। जिसे वह जगत प्रिय नहीं, जो इस जगत के छोटे बड़े सभी सद्भाव नहीं रखता, जो लोग की भलाई के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार नहीं रहता, वे कैसे कह सकता है कि ईश्वर का भक्त है? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भी एक भक्तजन प्राप्त कर सकूँगा, पर हित निरत निरंतर मन क्रम वचन नियम निभाओगे। इसमें बताया गया है कि रतन सेन पद्मावती का प्रेम विषय को सम की तरफ प्रवृत्त हुआ है, जिसमें एक पक्ष की कष्ट साधना, दूसरे पक्ष में दया और फिर तुल्य प्रेम की प्रतिष्ठा करती है। साधना के फलस्वरूप उस दशा की सूचना पाने पर तुल्य अनुराग का पूर्व लक्षण है। रतन सेन के समागम का सा आनंद मिलता है, जिसकी संजीवनी शक्ति से वह मूर्छा सी जान पड़ती है। तुल्य अनुराग सुनी पद्मावती के असी मैया, भा बसंत उपनी नय कैया, सुवा के बोल वचन पवन होई लागा, उठा सोई हनुमंत सजागा। तुल्य अनुराग की सूचना के अद्भुत प्रभाव का अनुभव राजा पुरोरवा ने भी उस समय किया था, जब उर्वशी के अदृश्य भाव ने भोजपत्र पर अपने अनुराग की दशा लिख करके भेजी थी। राजा रतन सेन ने अनुराग शब्द का प्रयोग न करके मैया शब्द का प्रयोग किया है, वह उसके प्रेम के विकास के हिसाब से बहुत ठीक है। पहले पद्मावती को रतन सेन के कष्टों की सूचना मिलती है, तब उसका हृदय उसकी ओर आकर्षित हुआ। अतः पद्मावती के हृदय में पहले दया का भाव ही स्वाभाविक है, पर उर्वशी पर पुरुरुआ का प्रेम आरंभ से ही सम था, केवल एक दूसरे के प्रेम का परिज्ञान नहीं था। आगे चल करके रतन सेन से जो हर्ष प्रकट करता है वह तुल्य अनुराग पर है। राजा रतन सेन को जब सुली देने जा रहे हैं, तब हीरामन पद्मावती को ये संदेशा लेकर आया, काड़ी प्राण बेठी ले हाता, मरे तो मरे जिया एक साथ था। इतना सुनते रतन सेन के हृदय में सुली आदि का सबका ध्यान हवा हो जाता है और वो आनंद से मग्न हो जाता है। सुनी संदेश राजा तब हंसा, प्राण प्राण घट घट मैं बसा। प्रेम के प्रभाव में प्रेमी की वेदना मानो उसके हृदय के साथ प्रिय के साथ चली जाती है। अतः जब वह प्रेम चरम
पर पहुंच जाता है तब प्रेमी तो दुखी अनुभूति से परे हो जाता है और उसकी सारी वेदना प्रिय के मथे जा पड़ती है। संवेदना का ही उत्कर्ष देखने लायक है। जीव काट ले तुम अब सही वह भाग या जीव तुम भई का जो जो धूप सो सिऊ का जान जान पे जीव भोग तुम्हार मिला ओही जाई जो ओही विथा सो तुम कह आई। योगियों के प्रकाय प्रवेश का सा रहस्य समझने के लिए देखिए अस्कर जोगी अमरभा के काया परदेश। प्रेमी की प्राप्ति की दृष्टि आनंदमय और निर्मल होती है। जो बातें पहले नहीं सोचती सूझने लग जाती है। चारों ओर सौंदर्य का विकास दिखाई देने लग जाता है। पद्मावती की प्रशंसा सुनते ही जो प्रेम रतन सेन के हृदय में संचरित होता है वो उसके प्रभाव का वर्णन देखिए आप। तीन लोक 14 खंड सभ्य प्रेम वही सूझी प्रेम छाड़ी नहीं लोन कछु जो जो देखा मन बूझी। प्रेम का क्षीर समुद्र अपार और अगाध है। जो इस क्षीर समुद्र को पार करते हुए शुभ्रता के प्रभाव से जीव संज्ञा को त्याग शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। जो यही खीर समुद्र मह परे जीव गंवाई हंस होई तरे फिर तो वे बहुरी न जाए मिले यही छारा। प्रेम की यदि एक चिणगारी हृदय में पड़ गई तो उसे सुलगते वन पड़ा तो फिर ऐसी अद्भुत अग्नि प्रज्वलित हो जाती है जिसके सारे लोग विचलित हो जाते हैं। मोहम्मद चिनगी प्रेम की सुनी मई गगन डेराई धनी विरही ओ धनी हिया जह ऐसे अग्नि समाई। भगवत प्रेम कि यह चिणगारी अच्छे गुरु से प्राप्त हो सकती है पर गुरु एक चिणगारी भर देता है उसे सुलगाना तो चेले का काम है। गुरु विरही चिनगी जे मेला जो सुलगाई ले सो चेला। गुरु केवल उस प्रिय के स्वरूप को बहुत थोड़ा सा आभास दे सकता है। उन शब्दों को पूर्ण करने का व्यक्त करना असंभव है। भावना के निरंतर उत्कर्ष पर शिष्य को उत्तरोत्तर अधिक साक्षात्कार प्राप्त होता चला जाएगा। उतनी प्रेम की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और उतना ही वह अपने प्रेमी के नज़दीक होता चला जाएगा। दुरारूढ़ प्रेम के प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त और कोई सुख की कामना नहीं होती। ऐसे प्रेम प्रिय को छोड़कर किसी अन्य वस्तु पर आश्रित नहीं होता। न उसे सुराई चाहिए न प्याला और न गुलगुली गिलमे न गलीचा। न उसे स्वर्ग की कामना रहती और न नरक का भय। ऐसी निष्कामता का अनुभव राजा रतन सेन भयंकर समुद्र के बीच में इस प्रकार से करता है। ना हो सरग न चाहो राजू न मोहि नरक सेतु की है काजू। जय ओहि कर दर्शन पावा जय मोहि आनी प्रेम पथ लावा। प्रेम की कुछ विशेषताओं के का वर्णन जायसी ने हीरामन तोते के मुख से भी कराया है। सच्चा प्रेम एक बार उत्पन्न होकर फिर जा नहीं सकता। पहले उत्पन्न होते और बढ़ते समय में सुख ही सुख दिखाई देता है पर बढ़ चुकने के बाद भारी दुख का सामना भी करना पड़ता है। प्रेम बढ़ जाने पर वो किसी भाव के लिए स्वतंत्र स्थान नहीं छोड़ता। जो भाव उत्पन्न होते हैं वही उसके अधीन होकर के वशवर्ती हो जाते हैं। प्रीति बेल जी ने अरुजे कोई अरुजे मुई ने छूटे सोई। प्रीति बेल ऐसो तन डाडा पल हुत सुख बाडत दुख बाडा। प्रीति अकेले बेली चढ़ छावा दूर बेली न सिंचरी पावा। पद्मावती और नागमती के विवाद में जो असूया का भाव प्रकट होता है वह स्त्री स्वभाव का चित्रण की दृष्टि से है। वह प्रेम के लौकिक स्वरूप के अंतर्गत है। जिस कालिदास ने प्रेम की प्रारंभिक दशा में उर्वशी के मुंह से पुरुरवा की रानी के रूप श्री की प्रशंसा करवाकर चित्रलेखा को असूया परागवक मंत्रितम कहने का अवसर दिया उन्हीं ने आगे चलकर उर्वशी के लता रूप में परिवर्तित हो जाने पर उसके संबंध में सर्जन्या के मुख से कहलवाया कि दुरारूढ़ खलु प्रणयो अहसन। पर जायसी की इस दृष्टि पर लौकिक प्रेम के आगे बढ़ी हुई है। वे प्रेम का विशुद्ध चित्रण करना चाहते हैं जो भगवत प्रेम में परिणित हो सके। इसी से वे प्रेम की और उसकी दुरारूढ़ भावना करके रतन सेन के मुख से विश्व शांति का तत्व भरा उपदेश कहलवाते हैं। जायसी ने सूफियों के अद्वैतवाद के विचार पूर्व प्रकरण में बहुत हुआ है लेकिन अद्वैत के मूल में एक दार्शनिक सिद्धांत है और कवि कल्पना की भावना नहीं है। वह मनुष्य के बुद्धि प्रयास और तत्व चिंतन का फल है। वह ज्ञान क्षेत्र की वस्तु है। जब उसका आधार लेकर के उसकी कल्पना और भावना उठ खड़ी होती है अर्थात उसका संचार
भाव क्षेत्र में होता है तो उच्च कोटि की भावनात्मक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा हो जाती है, भावनात्मक और साधनात्मक रहस्यवाद के रूप में वो उभर करके हमारे सामने आता है। जायसी ने जो प्रेम का वर्णन अपने साहित्य में किया है तो उन्होंने ये लिखा है कि प्रेम अदृष्ट गगन से ऊंचा। पद्मावत के कैनवस पर जायसी ने मनुष्य की दो विरोधी वृत्तियों के द्वंद्व को चित्रित किया है, राजसत्ता का मध्य, विजय का दर्प, कूटनीति की कुटिलता, वैभव, शौर्य, पराक्रम सब सारहीन है प्रेम के सामने। इससे राज्य तो जीते जा सकते हैं परंतु दिल नहीं जीते जा सकते, प्रेम को नहीं बढ़ाया जा सकता। चित्तौड़ का किला जीत लेने के बाद भी अलाउद्दीन को जिस निरर्थक की अनुभूति होती है वही पद्मावत का मुख्य संदेश है। पद्मावत में लिखा है कि छार उठार लीनी एक मुट्ठी, दीनी डार पृथ्वी झूठी। जायसी ने चित्तौड़ की बड़ी विजय को प्रेम सौंदर्य के सागर के समक्ष रख करके अर्थहीन बना दिया। पूरी पद्मावत का सार यही है कि प्रेम ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, इसलिए पृथ्वी झूठी है तो प्रेम के बिना, प्रेम बिना पृथ्वी झूठी है, ये पढ़ना ज़्यादा उपयुक्त है। उनके लिए प्रेम एक ऐसा अनुभव है जिसके आगे कोई राह नहीं है। उनकी काव्य साधना प्रेम से शुरू होती है और समाप्ति भी प्रेम पर होती है। वे मनुष्य जीवन की सार्थकता इस प्रेम में ही देखते हैं। पूरी पद्मावत में सबसे बड़ा प्रभाव यही जान पड़ता है कि प्रेम ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। प्रेम भले ही सांसारिक जीवन में असफल बनाए, आंतरिक असफलता के अनुभव उसी में ही संभव है। इसीलिए पृथ्वी झूठी है को प्रेम के बगैर पृथ्वी झूठी है पढ़ना चाहिए। ये प्रेम आसान नहीं है। प्रेम पाड़ कठिन विधि गाढ़ा, सो जेबे चढ़े शीश सो चढ़ा। अर्थात विधाता ने प्रेम का पाड़ अत्यंत कठिन बनाया है। इस पर वही चढ़ सकता है जिसमें सिर के बल चढ़ने की क्षमता हो। जायसी का सपना प्रेम के ऐसे ही कठिन पाड़ पर चढ़ने का आमंत्रण देता है। जायसी ने अपने स्वप्न लोक की रचना का उपादान इसी लोक के लिए है। लोक प्रचलित प्रेम कथा को अपने हार्दिक स्पर्श से जायसी ने महाकाव्य की व्यापकता और गहराई प्रदान की है। इसमें प्रकृति, परिवेश, इतिहास, परंपरा, धर्म, दर्शन, विचार, संस्कृति सब गोते लगाते डूबते चल रहे हैं। प्रेम के दिगंत व्यापी प्रसार की व्यंजना करते चले जा रहे हैं। मिथक, पुराण, इतिहास को लेकर के लोक जीवन की विस्तृत भूमि तक फैला जायसी का अनुभव संसार पद्मावत के प्रेम का महानायकत्व प्रदान करता है। जायसी ने पद्मावती के रूप को पारस रूप का है और पारस रूप को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं होता। का मान सर चहा सो पाई, पारस रूप यहां लगी आई। सखी अलाउद्दीन को देखने का आग्रह करते हुए पद्मावती को पारस कहती है। तब देखी कंचन कस पारस, अर्थात हे रूप के पारस तू भी देखी वह सोना कैसा है। इस पारस रूप के स्पर्श से वह जगत के रूप को अद्भुत माधुर्य आ जाता है। एक और मानसरोवर है ना भी ना निर्मर तेन पायन पर से पादा रूप रूप के दर्शे। दूसरी ओर अलाउद्दीन है जिसके लिए दर्पण में रूप का दर्शन करने मात्र से धरती सरग भयो सब सोना हो जाते हैं। ये पारस रूप कवि के हृदय में मौजूद पारस रूप की सृष्टि है। इस पारस रूप के स्पर्श से जायसी जड़ और जंगम के नहीं काव्य रूढ़ियाँ, कथानक रूढ़ियाँ और पदम चरित और जड़ी भूत काव्य युक्तियों को जीवंत बना देते हैं। जायसी के काव्य सौंदर्य की विलक्षणता और मौलिकता के मूल में उनके प्रेम की राह पारसधर्मिता ही है। प्रेम की इस पारसधर्मिता के संबंध में सूफी आंदोलन से आरंभिक सूफी शरीयत और सत्ता के गठजोड़ के विरुद्ध भेद बुद्धि के निषेध करते हुए सूफियों ने अनअलग का उद्घोष किया था। सूफियों ने अपनी मान्यताओं के लिए जीवन का उत्सर्ग कर दिया था। अनअलग और उपदेश करने कारण से सूफी मंसूर को बगदाद के खलीफा मुक्तदीर के आदेश पर सूली पर चढ़ा दिया गया था। जायसी ने पद्मावत के मंसूर की शहादत को आदर के साथ में याद किया है। पंथ शरीर न उठा अकरू, जो चढ़े सो चढ़े मंसूर। अर्थात
प्रेम का मार्ग सूलियों से भरा हुआ है, उन सूलियों पर वही चढ़ते हैं या फिर मन छोड़ चढ़ा था। सिंहद्वीप में रतन सेन को जब पकड़ के सूली पर लाया जाता है तो उसे मारने के लिए तुरई बजती है। वह राजा मंसूर की तरह सूली दे करके हंस पड़ता है। जस जाई जह बाजा तुरु सूरी देखी हंसी मंसूरु। बार बार मंसूर की याद करना इस बात का प्रमाण है कि जायसी प्रेरणा के लिए आरंभिक दौर के लिए सूफी आंदोलन के निकट जाते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।